हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल म्यूज़ियम के बारे में। राइट, आप लोगों ने सही सुना, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोपिया म्यूज़ियम के बारे में। म्यूज़ियम क्या होता है आप लोगों को पता है, ठीक है? डेफिनेटली सभी लोगों को पता होगा कि म्यूज़ियम क्या होता है। म्यूज़ियम में हम कलेक्शन रखते हैं, कोई आर्ट से रिलेटेड हो, कोई मॉन्यूमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कोई कल्चर से रिलेटेड चीज़ हो, वहाँ पे हम उन सभी चीज़ों की एग्जीबिशन लगाते हैं ताकि लोग उसको आएं और उसे देखें और उससे कुछ सीखें, ठीक है? इसी को तो म्यूज़ियम कहते हैं। तो आप लोगों ने क्या इसके बारे में सुना है? अभी तक तो हमने देखा था कि कोई आर्ट से रिलेटेड या फिर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड म्यूज़ियम होते हैं। बट आप लोगों ने ये सुना है कि पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी एक म्यूज़ियम है। राइट, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रोपिया एक ऐसा सिंगल म्यूज़ियम है इन द होल वर्ल्ड जो पर्टिकुलरली बनाया गया है इस आइडिया के साथ कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो पूरा म्यूज़ियम समर्पित होगा। सो माइक्रोपिया म्यूज़ियम इन एम्स्टर्डम इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली ऑन द माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पर्टिकुलरली ये आइडिया लेके माइक्रोपिया का डेवलपमेंट किया गया है, माइक्रोबिया म्यूज़ियम को बनाया गया है। और माइक्रोबिया म्यूज़ियम ओपन हुआ था कब? इट वाज ओपन्ड ऑन 30th सितंबर 2014 से माइक्रोपिया म्यूज़ियम को ओपन कर दिया गया था सभी लोगों के लिए। वहाँ पे कोई भी टिकट खरीद के जा सकता है, ऐसा मैंने अपनी रिसर्च में देखा जब मैंने इसके बारे में पढ़ा। सो आई होप हम सभी जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उन सबको वहाँ पे जाने का मौका मिले और मुझे भी वहाँ पे जाने का मौका मिले। द मेन फोकसेस फॉर माइक्रोपिया आर, माइक्रोपिया के जो मेन फोकसेस हैं वो ये हैं, उन्होंने मेन जो दो मोटो लेके ये माइक्रोपिया का डेवलपमेंट किया है वो ये है, उनमें से सबसे पहला है फॉर एस्टेब्लिशिंग अ पॉजिटिव व्यू टूवर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स हैं उनके प्रति एक पॉजिटिव व्यू डेवलप करना। ये हमें जो ह्यूमंस बीइंग है, जो जनरल पब्लिक है, वो सिर्फ नेगेटिव व्यू को ही देखती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, बट ऐसा नहीं है। माइक्रोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डे टू डे प्रैक्टिसेस, फॉर अवर डे टू डे लाइफ, ठीक है? सो वो पॉजिटिव व्यू को सामने लाने के लिए माइक्रोपिया का डेवलपमेंट हुआ है। और दूसरा डेवलपमेंट, दूसरा जो मेन मोटो है वो ये है कि हम प्रमोट कर सके माइक्रोबायोलॉजी को या फिर माइक्रोब्स को एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू ब्रिज द गैप बिटवीन द साइंस एंड द जनरल पब्लिक। जो साइंस और जनरल पब्लिक के बीच में जितना भी जो गैप है उस गैप को ब्रिज करने के लिए और माइक्रोबायोलॉजी को या फिर साइंसेस को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने के लिए भी माइक्रोपिया म्यूजियम का डेवलपमेंट हुआ है। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका मानना यही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी डे टू डे लाइफ, जो हम नॉर्मल से नॉर्मल प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में कर पाते हैं, हम अपना फूड डाइजेस्ट कर पाते हैं, हम प्रॉपरली अपने खाने को, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, या फिर हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट का रिमूवल हो पाता है, वो उन सब में माइक्रोब्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में होंगे ही नहीं, जो ये पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि गुड बैक्टीरिया भी जिनको हम बोलते हैं, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हटा दिए जाएं तो हमारा जो डे टू डे प्रैक्टिस है लाइफ की वो हम कर ही नहीं पाएंगे, वो हम फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये गैप जो है ह्यूमंस और साइंस के बीच में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं,
इन सभी चीजों को, इन सभी गैप को फिल करने के लिए माइक्रोपिया का डेवलपमेंट किया गया है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे जो माइक्रोपिया म्यूजियम में लगाए गए हैं, उनमें से बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनको लिविंग वहाँ पे एग्जिबिट किया गया है, यानी कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी वहाँ पे एग्जिबिशन होता है। और जो लिविंग नहीं है उनमें से कुछ कुछ का जो 3D पेंटिंग्स के थ्रू या फिर 3D टेक्नोलॉजी के थ्रू भी उनका उनको दिखाया जाता है, उनका वर्चुअल प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरैक्टिव डिस्प्लेज वहाँ पे लगाए गए हैं म्यूजियम में। सो उनमें से जो सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट इंटरैक्टिव डिस्प्ले जो है वो है अ बॉडी स्कैनर। बॉडी स्कैनर है जो आपकी बॉडी को कम्प्लीटली स्कैन करेगा कि आपकी बॉडी में एट अ टाइम कितने माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं और उनका काउंट कितना है, उन वो किस टाइप के माइक्रोब्स हैं आपकी बॉडी में एट अ टाइम प्रेजेंट हैं, राइट। जो सेकंड है वो ये मैं बार बार नीचे से लिए देख रही हूँ कि मैंने यहाँ पे जो नोट्स बनाए, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है, मैंने देखा नहीं है, सो इसीलिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं उससे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो बार बार मैं नीचे देख रही हूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, इतना थोड़ा सह लेना। सो जो सेकंड है, सेकंड इंटरैक्टिव डिस्प्ले जो है वो है अ किसोमीटर। किसोमीटर क्या करता है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ माइक्रोब्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग अ किस, राइट। जो किसोमीटर है वो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको काउंट करके बताता है कि इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे ट्रांसफर हो सकते हैं व्हेन टू पर्सन किसेस, ऑलराइट। और जो थर्ड इंटरैक्टिव डिस्प्ले है वो है ब्यूटीफुल कलरफुल एंड इम्प्रेसिव डिस्प्ले ऑफ पेट्री डिशेस। बहुत सुंदर सुंदर सी पेट्री डिशेस का डिस्प्ले है जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया हुआ है, फंगस को ग्रो करवाया हुआ है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। जो फोर्थ है, फोर्थ जो इंटरैक्टिव डिस्प्ले है वो है कलेक्शन ऑफ एनिमल फीसेस एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रिजर्व्ड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये भी एक इंटरैक्टिव डिस्प्ले उन लोगों ने वहाँ पे माइक्रोपिया में लगाया हुआ है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट फीसेस होंगे और कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को वहाँ पे डिस्प्ले किया गया है जो कि प्रिजर्व्ड है और रियल। फिफ्थ है वो है फिल्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स डिकम्पोजिंग। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के जो स्टेजेस होती है डिकम्पोजिशन की, वो फिल्म वहाँ पे लगाई गई है। और जो वुड है, वुड धीरे धीरे कैसे डिकम्पोज होती है, कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो कैसे कैसे डिकम्पोज होता है, वो पूरी फिल्म लगाई गई है वहाँ पे, पूरा डिस्प्ले किया गया है। सो ये चीज़ मुझे बहुत एक्साइट करती है कि हमें भी वो सब चीज़ देखने का मौका मिले और हमारी कंट्री में भी ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट हो जो रिलेटेड टू साइंस है, ऑलराइट। तो अगर हम वो माइक्रोपिया म्यूजियम देखे, वहाँ पे अगर हमें जाने का मौका मिले, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं सीखने के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं जानने के लिए। और जो जनरल पब्लिक है, जो एज अ टूरिस्ट पर्पज़ से भी जाते हैं, घूमने पर्पज़ से भी जाते हैं, तो उन्हें भी जो नॉन बायोलॉजी के फील्ड का है वो भी उस उन सब जो भी डिस्प्ले हैं और जो भी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने रीडिंग के लिए और जो डिस्प्ले किया गया, उन सभी चीज़ों से बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। और जो गैप है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, उस गैप को फिल कर सके कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नुकसान ही पहुंचाए, वो बहुत से फायदे भी हमें। और एक चीज और, वहाँ पे माइक्रोपिया म्यूजियम में डिफरेंट डिफरेंट एल्गी को भी ग्रो करवाया गया है कि कैसे मतलब दिखाया गया है, डिस्प्ले किया गया है कि कैसे एल्गी ग्रो करती है और कैसे एल्गी को एज अ फूड हम लेते हैं, कैसे एल्गी डिफरेंट फूड सप्लीमेंट्स में यूज होती है, क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है, बायो प्लास्टिक्स कैसे बनते हैं, बायो डीजल्स कैसे बनते हैं, बायो फ्यूल्स कैसे बनते हैं, वो सभी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले की गई है। और जो रियल लैब्स भी हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि वहाँ के जितने भी लैब वर्कर हैं, रिसर्चर्स हैं, जो उस
पर्टिकुलर म्यूजियम के लिए वर्क करते हैं, वो लैब भी कम्प्लीटली वहाँ पे डिस्प्ले की जाती है कि इस तरीके से वहाँ पे काम होता है, ये इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे, ये सारे टेक्निक का यूज़ करते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सी चीज़ें हैं. अब आई होप कि इन फ्यूचर हमारी कंट्री में भी इस चीज़ का डेवलपमेंट हो और हम सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पे जाने का मौका मिले. सो ये तो एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने अपने तरीके से जिसमें ढूंढा, चीज़ें देखी, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि माइक्रोबिया एक पर्टिकुलर ऐसा म्यूजियम है जो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है टूवर्ड्स द माइक्रोब्स. सो उसके बारे में मुझे और सीखना चाहिए और मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए. सो अगर आप लोगों को, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना है नीचे मुझे कि आपको माइक्रोपिया म्यूजियम के बारे में पहले से पता था या फिर मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इसके बारे में पता चला है. और अगर आप लोगों को पहले से पता था इसके बारे में तो क्या क्या नई चीज़ें हैं इस पे, क्या क्या और चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, वो आप लोग मुझे भी सिखाइए उसके बारे में और मुझे भी बताइए, मैं भी आप लोगों से कुछ गेन करूँ. सो ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. और मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. टिल देन बाय बाय, टेक केयर और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए.